श्रोतागण, चाय के क्या कहनी, चाय का स्वाद ही निराला है। छोटे से अभिजे को काका हाथ रसी बना डाला है। अजी सुनिए जनाब, अजी सुनिए जनाब, चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए जरा इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। अगर मजा आए तो वाह वाह का शोर कीजिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, दूध दही मल अन्न जल, छोड़ पीजिए चाय, छोड़ पीजिए चाय। अमृत 20वीं सदी का, जग प्रसिद्ध जैसे गंगा जल गंग नदी का। काका का कवि इन उपदेशों का अर्थ जानिए, बिना चाय के मानव जीवन व्यर्थ मानी। कविता लिखने के लिए मूड नहीं बन पाए, एक सांस में पीजिए चार पांच कप चाय, चार पांच कप चाय। अगर रह जाए अधूरी इतनी ही लो, हो गई कविता पूरी। काका का कवि खंड काव्य को 15 प्याला, 55 कप में महाकाव्य हमने लिख डाला। जरा गौर कीजिए, काका का कवि खंड काव्य को 15 प्याला, 55 कप में महाकाव्य हमने लिख डाला। प्लेटफॉर्म पर यात्री पानी को चिल्लाए, पानी वाला है नहीं, चाय पियो जी चाय, चाय पियो जी चाय। हिलाकर बोला दाढ़ी, पैसे लियो निकाल, छूट जाएगी गाड़ी। काका पीकर चाय, विरोधी दल का नेता, धुआंधार व्याख्यात सभा संसद में देता। लक्ष्मण के शक्ति लगी, विकल हुए भगवान, संजीवनी लेने गए पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। आगे लेकर बूटी, सेवन करके लखनलाल की निद्रा टूटी। काका का कवि जब खोली कल की खत्ती, समझ गए हम इस चाय की थी कुछ पत्ती। जरा गौर कीजिए, पवन पुत्र हनुमान आगे लेकर बूटी, सेवन करके लखनलाल की निद्रा टूटी। काका का कवि जब खोली कल की खत्ती, समझ गए हम इस चाय की थी कुछ पत्ती। धन्यवाद।